हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल डे और नाइट क्रीम, आपको इजीली आप अपने स्किन को ब्राइट बना सकते हैं, कोई भी स्पॉट या मार्क्स आपके स्किन में नहीं रहेंगे, और इसको अगर आप डेली अप्लाई करेंगे इस क्रीम को, तो आपकी स्किन में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे और आपकी स्किन हमेशा ही यंग रहेगी। तो दोस्तों, ये जो क्रीम है इसको बनाना बहुत सिंपल है और ये बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट से बन जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे एलोवेरा जेल। दोस्तों, एलोवेरा जेल जो होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये विटामिन ए, सी और ई में रिच होता है, जो सारी चीजें हमारे स्किन को ब्लेमिश फ्री और बहुत ही अच्छा रखने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो दोस्तों, एलोवेरा एक स्किन के लिए मैजिकल इंग्रेडिएंट का काम करता है, तो दोस्तों हमें एलोवेरा जरूर इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, सेकेंड इंग्रेडिएंट हमें चाहिए यहाँ पे आमंड ऑयल। आमंड ऑयल जो होता है वो विटामिन ई में रिच होता है, और विटामिन ई हमारे स्किन को टाइट रखने के लिए, हमारे स्किन में रिंकल्स ना आने के लिए ये बहुत अच्छा होता है, और ये आपके स्किन को टैन से बचाता है और आपके स्किन को एज भी नहीं होने देता। और दोस्तों, थर्ड इंग्रेडिएंट चाहिए हमें यहाँ पे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होता है वो एक ह्यूमेक्टेंट का काम करता है, और ये हमारे स्किन में मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, और ये स्किन में बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट लाता है, एक शाइन रहता है और ग्लो भी रहती है। तो ग्लिसरीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, हमें चाहिए थोड़ा सा विटामिन ई का कैप्सूल, ये मैंने यहाँ पे होल्ड करके रखा है। तो विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है ये भी हमारे स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये कैप्सूल आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है, आप इसको खरीद लें। और दोस्तों, ये हमें चाहिए रोज वाटर। मैं यहाँ पे अपने होममेड रोज वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोस्तों, रोज वाटर जो होता है विटामिन सी में रिच होता है, और ये बहुत अच्छा टोनर का काम करता है हमारे स्किन के लिए, और हमारे स्किन को ये हमेशा ही ब्लेमिश फ्री रखता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेल लिया है, यहाँ पे 2 टीस्पून ऑफ आमंड ऑयल, और यहाँ पे 1 टीस्पून ऑफ ग्लिसरीन लिया है, और ये विटामिन ई का एक कैप्सूल है। तो दोस्तों, सारी चीजों को अब हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को आपको एक साथ मिक्स करके बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, ताकि ये बिल्कुल एक क्रीम के कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन भी ऐड कर लिया है। अब दोस्तों, इसमें विटामिन ई का जो कैप्सूल है इसको भी आप ऐड कर दें, और थोड़ा सा हमें रोज वाटर लेना है। रोज वाटर हमारे स्किन को बहुत अच्छा लगता है, आपको टैन से बचाता है। और दोस्तों, इस क्रीम को आप दिन में 2 बार अपने स्किन पे इस्तेमाल करें, तो आपको बहुत अच्छे चेंजेस मिलेंगे। और दोस्तों, अब सारी चीजों को आपको एक साथ विस्क कर लेना है, बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है, ताकि ये बिल्कुल एक फ्लफी पेस्ट जैसा बन जाए। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, ये बहुत अच्छा एक क्रीमी पेस्ट बन गया है। इसको अब आपको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है, और इसको आप 7 या 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें रोज वाटर है, तो क्योंकि एक पानी जैसा है। तो दोस्तों, आप इसको कम दिनों के लिए बनाएं और इसको इस्तेमाल करें, ये फ्रेश है और आपके स्किन में बहुत अच्छे से काम करता है। और दोस्तों, इसको दिन में आप 2 बार फेस को क्लीन करने के बाद इसको अप्लाई करें, और आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी स्किन हमेशा अच्छी रहेगी। क्रीम बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है कि अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर ले। ये बहुत अच्छे कंसिस्टेंसी का है और बहुत लाइट होता है। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा ऐसे ले और अपने फेस के ऊपर आप अच्छे से इसके लगाए और अच्छे से मसाज कर ले। और ये बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल भी आपको नहीं लगता कि कुछ ग्रीजी या ऑयली सा आपने लगाया है। आपको मार्केट से वो महंगे क्रीम्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर पे इसको फ्रेश बनाएं, और इसके इफेक्ट्स भी उससे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव हार्मफुल नहीं होते। तो दोस्तों, इसको देखिए, आप ऐसे अच्छे से मसाज करें, और ये बहुत अच्छे से आपके स्किन को एक शाइन देता है, और ये थोड़े टाइम बाद ही अब्सॉर्ब हो जाता है आपके स्किन के अंदर। तो दोस्तों, इस क्रीम को जरूर बनाएं और देखें, आप इसको ट्राई करें, और मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू।